क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन। एक रिलेशन डिफाइन किया गया है आर किस पे, सेट एन पे, और सेट एन क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस टू कॉमा बी इज ग्रेटर देन 6। देन करेक्ट द चूज द करेक्ट आंसर। हमें क्या करना है, करेक्ट आंसर चूज करना है। इसमें से ए बी सी डी यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, हमें करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि जो रिलेशन आर है वो किस पे डिफाइन किया गया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है, 1, 2, 3, 4 से लेके इनफाइनाइट, यानी 1 से लेके जो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में डेसिमल वाले नंबर्स नहीं होते, नॉन डेसिमल नंबर होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे R में एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, देखिए थोड़ा ध्यान से। R का एलिमेंट होगा क्या, A कोमा B, और A और B एक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, और वो प्रॉपर्टी क्या है, A इज इक्वल टू B माइनस टू, और यहाँ कॉमा लगा के और क्या लिखा गया है कि B इज ग्रेटर देन 6। तो देखिए सबसे पहली चीज तो आप इसको नोटिस कीजिए, क्या है, B इज ग्रेटर देन 6। तो ग्रेटर देन 6 का मतलब कि b की वैल्यू 6 से बड़ी होगी, तो b की वैल्यू 6 से बड़ी होगी इसका मतलब नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो 7 से स्टार्ट करना है। तो देखिए b b a कॉमा b है ना एलिमेंट, तो ये a की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू क्या है, a की, सेकंड वैल्यू b की, तो यहाँ देखिए b की वैल्यू 4 है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि b की वैल्यू हमें 7 से स्टार्ट करनी है, 6 से ग्रेटर वैल्यू। यहाँ पे b की वैल्यू 8 है, तो ऑप्शन में B हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी हम देखें B की वैल्यू 8 है, तो ऑप्शन में C भी हो सकता है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर D जो है यहाँ पे B की वैल्यू 7 है, तो D भी हो सकता है, ठीक है। तो B, C और D, इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन सही हो सकता है। तो अब बात करते हैं ये इस वाली प्रॉपर्टी की, ये जो प्रॉपर्टी है देखिए, जैसे ही मैं B की वैल्यू 8 पुट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ, 8, तो देखिए 8 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 6, 8 में से टू गए तो कितना आएगा, 6, ठीक है ना। तो A की वैल्यू क्या थी, 6, और B की वैल्यू हमने क्या रखी, 8। भाई B की वैल्यू जब हमने 8 पुट की तो 8 माइनस 2 आंसर क्या आया, 6, और A की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 6। तो 8 के करस्पॉन्डिंग क्या आना चाहिए था, 6, बट यहाँ क्या आ रहा है, 3, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, है ना, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, तो B ऑप्शन इज रॉन्ग। क्यों, क्योंकि A की वैल्यू 3 आनी चाहिए थी। अब मैं बात करता हूँ C ऑप्शन की, C ऑप्शन को छोड़िए, पहले हम बात करते हैं D की। देखिए D में जैसे ही मैं B की वैल्यू क्या पुट करूंगा, 7, तो 7 माइनस 2 कितना होगा, 5, कितना होगा, 5। तो A की वैल्यू में यहाँ 5 आना चाहिए था, यहाँ आ रहा है 8, तो D ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन C की। C में देखिए, C में जैसे ही मैं जो ऑप्शन दिया गया हमें A और B की वैल्यू, तो B की वैल्यू में जब मैं करस्पॉन्डिंग वैल्यू जब मैं क्या डालूंगा, 8, तो यहाँ 8 डाल दी वैल्यू, और 8 माइनस 2 जब हम कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 6, है ना। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 6, तो 8 किसकी वैल्यू है, B की, बराबर किसकी वैल्यू आ गई, A की, है ना। तो A की वैल्यू क्या है, 6 है, और B की वैल्यू क्या है, 8 है। तो ये जो दोनों A और B की वैल्यू है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन सही है, तो हम इसका आंसर टिक लग कर देंगे ऑप्शन नंबर C पर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 1.2, वहाँ पे हम बात करेंगे फंक्शन की। तो रिलेशन जो टॉपिक है वो हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और लाइक जरूर करना मेरे वीडियोस को, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।